पहले कॉलर हैं भोपाल से, के एन तिवारी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम साहब को भी नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है तिवारी साहब। कल से मैंने इनको वो कलौंजी का सिरका देना चालू कर दिया, कल शाम को 3 चम्मच। लेकिन ये गोंचिया खा रही है तो उसमें गैपिंग कितना करना है? क्या करना? गैप जी। ठीक है। अंतर कितना रखना है? और ये सर वाली एक्सरसाइज भी कर रही है। ठीक है। इससे इनकी जलन जो होती थी सर की वो खत्म हो गई, ये सर की एक्सरसाइज करती हैं। ठीक है। 3 मिनट। और कोई तो सवाल नहीं? बाकी यही है दूसरा, ये लाजवंती सागोल की भूसी है और ये गोंद चिरौंजा अभी लेती रहे ना। जी, बस एक खुराक ले पूरे 24 घंटे में इसकी, गौन चिलगोजा की। ये काफ़ी तेज़ होता है और उनकी जलन चली गई। बहुत मुबारक आपको। और ये एक्सरसाइज छोड़े नहीं, करते रहें 3 मिनट। और गौन सिया और जो आपने लिया है वो गौन सिया और जैतून के सिरके में, अगर फर्क नहीं भी करेंगे तो एक साथ भी ले सकते हैं, खाने के बाद लेना बेहतर है। और अगर फासला करें तो आधा घंटे का कर लें और बहुत जल्द इनकी और दूसरी समस्याएं भी अच्छी होना मुमकिन है। छोटा राजस्थान से है जहूर जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब सलाम अलैकुम। एक सवाल था हकीम साहब, जैसे अपन ये गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं तो ये नॉर्मल आदमी भी कर सकता है या कोई बीमारी हो जब भी कर सकता है? दूसरा सवाल ये है कि जो मैंने कल आपसे पूछी थी ना कि ये लेडीज के पैर में दर्द है, तो उसके क्या है, बचपन से उसके पोलिया पैर में, तो वो गोंचिया काम करेगा नहीं करेगा? पोलिया है मतलब गिर गई थी वो 3 साल पहले, जो उसके पैर में दर्द है, ये एड़ी भी फटती है उसकी, तो वो गोंचिया काम करेगा नहीं करेगा उसमें? ठीक जी जहूर साहब, अगर दर्द है तो उस पर काम करेगा। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि उनका पोलियो ठीक हो जाए तो ये मुमकिन नहीं है, तो वो रिपेयर का काम है। तो दर्द के लिए ले रहे हैं तो इंशाल्लाह फ़ायदा हो सकता है। और क्या बोला था इन्होंने? एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है। देखिए, जितने गर्दन की एक्सरसाइज में मैंने जितना फ़ायदा देखा, ये 3-3 मिनट जो मैं बताता हूँ। देखिए, मैं बहुत, मुझे भगवान ने बहुत ज़्यादा तजर्बा दिया है, तो लोग आके बताते हैं टीवी पर ये कर लो वो कर लो, लेकिन उन सब से लोग तकलीफ़ में आ जाते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज ऐसी है कि लोग बग़ैर दवा के भी गर्दन के दर्द से, सर के दर्द से, सर्वाइकल से निजात पा सकते हैं। हिमाचल से हैं प्रेमलाल जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, ये हमारी दोती है 18 साल की जी। हाँ, तो उसके बाल सफेद हो रहे हैं। ठीक है। नजला वगैरह रहता है उनको? हाँ जी, नजला खांसी रहता है बच्ची को? हाँ जी, नजला नहीं है, बाल सफेद हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए, बच्ची को एक नुस्खा दें और वो इस तरह है कि सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, 3 चीज़ें आप 100-100 ग्राम खरीदें और उसमें पीपले 30 ग्राम मिलाएं, उन्नाब की गुठली निकाल के फेंक दें और इसका पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह खाली पेट इनको चाय या गर्म पानी के साथ रोज़ाना खिला दिया करें, 6-7 महीने खिलाएं तो फ़ायदा मुमकिन है। अम्बाला से हैं गुरुनाम सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। जय हिंद जी, बताइए क्या सवाल है? सर, मैं आपका लैब प्रोग्राम बहुत दिन से देख रहा हूँ, ये मेरे को ना प्रॉब्लम थी, पहले
बीपी डाउन होना और ये टेम्परेचर डाउन होना और प्रेशर सेल डाउन होते हैं सर। अभी क्या हाल है? अभी सर मैं पहले एल प्लस खाया आपके पास से, अभी सर मेरे को चेंज करके दवाई ना, मेरे को ये दवाई एचकेयर भेजी मेरे पास सर, गौर से यह खा रहा हूँ, जैतून का सिरका पी रहा हूँ मैं सर। अभी सर कुछ कुछ महीने बाद फिर अपने आप का बीपी लो हो जाता है मेरा। हाँ देखिए, यूनानी दवा आपने शुरू कर दी है, 5-7 दिन के बाद फायदा शुरू होता है बेशतर, लेकिन 3-4 महीने लेनी पड़ती है। तो अभी आपने शुरू की है, इसे इस्तेमाल करें, गौन से आधा आधा ग्राम खाएं और ये सिरका जो आपके पास है 2 या 3 3 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद पिया करें, आपको फायदा मुमकिन है। दिल्ली से है वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम बात हो पाएगी हकीम साहब? बिल्कुल बात कीजिए जी, बात हो रही है। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार गुरु जी। जय हिंद, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है। हाँ दोनों, एक तो ये सेफ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। एक तो गुरु जी ये आज उस दिन जो सवाल किया था ना नमक के बारे में, वही उसमें मैं वो समझ नहीं पाया कौन सा नमक लेना है, काला नमक लेना है, सेंधा नमक लेना है या डेले वाला लेना है, एक आयोडीन वाला, चार वैरायटी है, इसमें कौन सा नमक सही रहेगा। सर एक सवाल ये था गुरु जी, वो मम्मी जी के बारे में पूछा था मैंने आपको, वो जो गर्भाशय के बारे में पूछा था, आपने वो है वो समझ नहीं पाया था, मैं लिख नहीं पाया था, आपने क्या बताया था गुरु जी? ठीक। अच्छा गुरु जी ये है कि जैसे छाछ है, जैसे आप बताते हो ना ये सिरका बनाना होता है, तो इसमें हम छाछ और तांबा मिला सकते हैं? जैसे और जिस चीज का भी हमें बनाना हो, जैसे पौधे पे डालते हैं तो उसमें छाछ और तांबा मिला देते हैं तो बहुत खट्टा हो जाता है, उसको स्प्रे करते हैं फिर उससे सारे कीड़े वगैरह सब मर जाते हैं, तो एलोवेरा के उसमें ये मिला सकते हैं? जैसे सिरका बनाना होता है आप बताते हो, बंद उसको बाल्टी में रख देते हैं, क्या ये मिला सकते हैं? ये सवाल है गुरु जी। और एक ये है कि ये गुलाब जल और फिटकरी का आपने कल जो बताया था नुस्खा टीवी पे शाम को जो बताया था, एक इसके बारे में पूछा गुरु जी। ठीक है। अच्छा देखिए, तांबा नहीं मिला सकते सिरके में, तांबा नहीं मिला सकते, वो बहुत खतरनाक रिएक्शन करता है, और तांबा दरअसल जहरीला होता है, इसको बस किसी भी एसिड में, यानी ना नमक डाल सकते हैं इसमें ना कुछ और ऐसा एसिड, तांबा उससे रिएक्ट करके जो लिक्विड बनाता है वो जहरीला होता है, तो तांबा तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। और क्या पूछा है, नमक के बारे में मैंने आपको बताया, देखिए नमक याद तो बहुत होते हैं लेकिन मैंने कभी ये नमक नहीं बताया, मैं हमेशा नमक जैतून की सिफारिश करता हूँ, नमक जैतून आप लिख लें, नमक जैतून असली लें, ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, इसकी पहचान है, देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है, एक चुटकी दिन में एक बार या दो बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। माता जी को लेके सवाल था, गर्भाशय उनका बाहर आ गया था। हाँ तो उनके लिए मैंने बताया था, मुझे याद है कि गौन चिलगोजा, चिलगोजे का गौन, चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है जो जितने दुनिया में ड्राई फ्रूट है उनमें सबसे महंगा आता है, और उसका गौन उससे भी महंगा आता है, लेकिन 10-20 रुपए रोज की दवा से ज्यादा नहीं होता है, बस एक चुटकी गौन चिलगोजा उन्हें खिलाएं, और एक चुटकी खाने का सोडा जो मीठा सोडा कहलाता है, 2 गिलास पानी मिला के ये पानी पिला दिया कर आपकी माता जी के लिए ये नुस्खा। अगले कॉलर है हमारे साथ, बात कर लेते हैं, हरियाणा से है निर्मला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब सुलेमान जी। जय हिंद, स्वागत है हमारी बहन का। सर मेरा आपसे एक प्रश्न है सर जी। मेरा लड़का है सर, उसकी उम्र 14 साल है सर। उसको ना आज सर में दर्द रहता है और आंखें भारी भारी बन रहता है आंखों में। ठीक है। और सर एक प्रश्न मेरा है, जो मेरे को ना पित्त ज्यादा बनता है सर, जैसे मैं खाना खाती हूँ तो मेरे को ना खट्टी डकार आती है और खाना हजम नहीं होता है सर। ठीक है। अच्छा देखिए, बच्चे को अगर नजला वगैरह रहता है और नजला हुआ, खांसी हुई, बलगम हुआ,
और उसने कोई दवा ले ली एंटी एलर्जिक, तो वो सब कुछ सुखा देती है, नसों में बलगम को सुखा देती है। तो अगर ऐसा होता है तो बलगम निकालने की दवाएं, कफ निकालने की दवाएं डॉक्टर से लें अपने, जिससे आप इलाज कराते हैं, तो वो निकलते ही आपका बच्चा तंदुरुस्त हो सकता है। और इनका सवाल, पित्त ज़्यादा बनता है एसिडिटी कब्ज, तो देखिए बहुत अच्छा नुस्खा है, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना, एक बार और बोलता हूँ आप लिख लें, सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन 100 ग्राम और धनिया और मेथी का दाना 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बना के घर में रखा करिए, किसी को भी आधी रात को ज़रूरत पड़े तो बड़ा काम आता है। और एक आता है नमक जैतून, ये नमक अलग टाइप का नमक है, देखने में नमक जैसा लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाना, और इस पानी से आप ये जो 6 चीज़ों का पाउडर बनाया है इसको खा कर पानी पी लें बस दिन में एक बार, बहुत ही ज़्यादा रोग है तो 2 बार भी ले सकते हैं, वैसे एक ही बार में बहुत फ़ायदा शुरू हो जाता है, अब इस तरह इस्तेमाल करें फ़ायदा उठाए। मध्य प्रदेश से हैं दीपा जी, स्वागत है आपका। जी दीदी, राधा स्वामी। राधे राधे मैम। दीपा बोल रही हूँ। जी मैं दीपा बोल रही हूँ। मेरे 2 सवाल हैं दी, प्लीज आप अच्छे से लिख लीजिए। बिल्कुल दी, वो मेरे ना एक जीजा जी के लिए सवाल हैं, क्योंकि मैं उनको किसी को नुस्खे बताती रहती हूँ तो बहुत ना फायदे करते हैं, तो वो बोल रहे थे मेरे लिए भी पूछना। तो उसकी ना एज है 51 और ना उनको 15 सालों से शुगर है, लेकिन अब ना उसको ना जैसे सुबह उठते हैं ना तो एकदम इतनी पीड़ा होती है शरीर में, बहुत कमजोरी महसूस होती है। और ना वजन है उसका 88 और उनको शुगर है, तो वो बोल रहे थे मेरे लिए पूछना कि जैसे सुबह उठता हूँ तो बहुत पीड़ा होती है शरीर में और कमजोरी भी बहुत लगती है और वजन भी बढ़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने सर से पूछ दूंगी आपके लिए, तो वो क्या करें। और दूसरा ना उस प्रेग्नेंट बहू के बारे में पूछूंगी, तो उसका ना अभी 8वां महीना चल रहा है, तो वो बोल रही थी जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो और उसको ना सर्दी बहुत बनी रहती है, ठीक है, और सुबह शाम बहुत छींकती है और बहुत सर्दी बनी रहती है, और बोल रही थी दीदी मेरे लिए पूछना कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, तो मैं उसको अपनाऊं। मैंने कहा ठीक है, मैं पूछ के बता रही हूँ अपने सर से। पहले भी बहुत उनको फायदे हुए हैं, तो वो बहुत दिन से बोल रहे मेरे को। जी बस इतना ही राधा स्वामी सर। जी आप तो बहुत अच्छे हमारे व्यूवर्स में से हैं, आपकी बहू को भी मुझे मालूम है कि उनको रिसाव शुरू हो गया था, ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, फिर आपने मुझसे नुस्खा पूछा था, डॉक्टर ने मना कर दिया था नहीं हो सकता, फिर मैंने नुस्खा बताया था, फिर वो बच्ची अच्छी हो गई थी। मेरी तरफ से प्यार करना उसको और कोशिश करें नॉर्मल डिलीवरी हो। अब जो 9वां महीना लगेगा तो इस बच्ची से सब वो काम कराइए जो नौकरों से कराते हैं आप, यानी झाड़ू पोंछा लगवाना। बच्ची को शायद बुरा ना लगे क्योंकि वो भी मुझे ज़रूर प्रेम करती होगी। और एक कपड़े धुलवाइए ज़मीन में बैठ के, चाहे आपके यहाँ नौकर चाकर हों, मशीनें हों धोने की, लेकिन उससे कराइए जितना भी उससे हो सके। तो ये 2 काम कराना शुरू कर दीजिए उससे, और जब जो डेट डॉक्टर ने दी हो उसकी, उस डेट पर उसको जो बेकार सा गुड़ नज़र आता ना, काला सा, पुराना सा, बकवास सा, वो गुड़ घर में रखिए। जो डॉक्टर ने डेट दी है उस डेट से एक दिन पहले ऐसे 50 ग्राम खिलाना, फिर अगले दिन 50 ग्राम या 100 ग्राम खा ले किसी तरह, और खूब पानी पिए, आपकी बच्ची को बहुत नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। जी। और जीजा जी के लिए देखिए, आपको तो पता ही है अगर दर्द है तो गौंसिया देना है, आधा आधा ग्राम देना है, 2 बार देना है या 1 बार भी दे सकते हैं। और शुगर की दवाएं लेते रहें, पैदल ज़रूर चला करें, गर्म पानी ज़रूर पिया करें, और या तो गौन जामुन, आपको पता है बहुत असरदार है, 1-1 चुटकी 2 बार दिया करें, खाने से पहले देना बेहतर है,
एक एक चुटकी से ज़्यादा ना दें और दो बार से ज़्यादा ना दें तो उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है।